आप सभी का मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सभी यहाँ 14 अप्रैल को सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। 14 अप्रैल डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जयंती मनाते हैं। इस दिन अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। हम सब भारतीय इस दिन को शुभ मानते हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने हमारे संविधान के निर्माता हैं, उन्हें संविधान के शिल्पकार भी कहा जाता है। डॉक्टर उन्होंने ना सिर्फ संविधान में अपनी अहम भूमिका निभाई, बल्कि समाज में औरत दलितों व अत्याचारों व नारी शिक्षा के ऊपर भी आवाज उठाई। बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि उन्हें ये टाइटल क्यों दिया गया है। उनकी परिस्थितियों और मुश्किलों के गुजरा एक नाटक के माध्यम से लोगों को सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। तो जानते हैं कि मेरा भीम पढ़ने में कितना अच्छा है। मैं एक शिक्षक बोलने के नाते सारे बालकों को एक समान समझता हूँ। मैं आपके विधान चार्य से बात हुआ है, तो आप आइए। अरे अरे कहाँ चले आ रहे हो, वहीं रुको। अरे गुरुजी ये लोग कहाँ चले आ रहे हैं? गुरुजी ये राम जी नौ है, अपने बेटे भीम को दाखिला दिलवाने हैं। मैं अपने भीम का आपके विद्यालय में दाखिला करवाने आया हूँ। और आप तो जानते हैं कि मेरा भीम पढ़ने में कितना अच्छा और मेहनती भी है। मैं आशा करता हूँ कि मेरा भीम पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे, कृपा कर मना मत कीजिएगा। क्या आप जानते नहीं है इस विद्यालय में ऊंची जाति के बालकों को पढ़ने की अनुमति है? गुरुजी आप तो जानते हैं कि भीम पढ़ने में कितने होशियार हैं। नहीं, ये बालक इस विद्यालय में नहीं पढ़ सकता। गुरुजी हम ऐसे किसी बालक के साथ अन्याय तो नहीं कर सकते, हम उससे उसकी पढ़ाई से भी ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। गुरुजी आप इतना कह रहे हो तो मेरे पास एक उपाय है। क्या है गुरुजी बताइए? कि भीम कक्षा कक्ष के बाहर बैठ के पढ़ाई करेगा। हमें मंजूर है गुरुजी, धन्यवाद। बस बस बताइए, आप बताइए कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कोई है जो मुझे बताए कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? गुरुजी मैं बताऊं? चुप रहो चुप बालक, तुम्हें सिर्फ पढ़ने की अनुमति दी गई है, ना ही कुछ कहने की। तुम्हें इस विद्यालय में पढ़ने की अनुमति दी गई है। चलो साथियों, भीम को भी अपने साथ भोजन कराते हैं। अरे अरे नहीं, वो हमारे साथ लंच नहीं कर सकता। अगर वो हमारे साथ भोजन करेंगे तो हमारे अम्मा बाबा हमें डरा देंगे। तुम नहीं पता कि तुम अछूत जाति के हो? तुमने इस मटके को हाथ कैसे लगाया? मैं केवल पानी पीने आया था, लेकिन मुझे यहाँ कोई दिखाई नहीं दिया तो मैं इसीलिए पानी पीने का प्रयास कर रहा था। तुम नहीं जानते कि तुम नीची जाति वाले विद्यालय के बर्तनों से पानी पीने की अनुमति नहीं है। अब यह मटका मेरे किसी काम का नहीं है। कैसे बैठे हो? अरे गुरुजी आप यहाँ कैसे? गुरुजी आज सुबह अध्यापक जी भी नहीं आए तो हमने पानी भी नहीं पिया। पानी और प्रिंसिपल के बीच में क्या मेल है? अरे गुरुजी क्या आपको पता नहीं है कि हम अछूत हैं और महाजाति से हैं? शहर में भी कुछ नहीं बदला था और गांव में भी यही था, और यहाँ आने के बाद तो मेरी माँ भी गुजर गई। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा मिलिट्री से रिटायर सूबेदार हैं। मैं आपके पापा से मिलना चाहता हूँ। आइए गुरुजी आइए। पापा
पापा क्या हुआ भीम? पापा देखो सर हमारे घर पे खुद चलकर आए हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, मेरा नाम है कृष्ण अम्बेडकर। मैं आपके बेटे को ना अपना नाम देना चाहता हूँ गुरुजी। आपका बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। धन्यवाद गुरुजी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। धन्यवाद गुरुजी, हम आपके लिए सदा आभारी रहेंगे। उन्हें पीने को पानी नहीं जाता था, क्लास में बैठने नहीं जाता था, पर फिर भी वो बालक रुका नहीं, बुलंदियों को छूता गया। अछूत बालक भीम बात है। मुंबई यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिकल पॉलिटिकल में डिग्री प्राप्त करने के बाद अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में कदम रखने वाला पहला भारतीय था वो। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं इस सभा में उपस्थित सभी महर्षि भाई बहनों, आज हम सब यहाँ एकजुट हुए हैं ऊंची जाति के अत्याचारों के खिलाफ और अपने अधिकार को पूर्ण रूप से अधिकार पाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। साइमन कमीशन और सिमोन कमीशन के साथ मैं भारतीयों की भलाई के लिए इनका त्याग करूंगा। जो मानव इस विकास से वंचित है तो इस विधान का विनाश निश्चित है। धन्यवाद। बात है 1935 की, जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बड़े मानसूबों के बार में है। काम करने के समय 14 घंटे से 8 घंटे लेता है। श्रमिकों के जननायक डॉक्टर बी आर राव जी अम्बेडकर की ही देन है, ये तो हम सभी जानते हैं कि आजाद हिंदुस्तान के संविधान के निर्माता भी यही महापुरुष हैं। कुछ दर्द को किताबों में ही दफना दिया जाता है। इन्होंने नारी शिक्षा के ऊपर भी काम किया है, नारी अधिकार के ऊपर भी काम किया है। तो चलिए इस नारी की जुबानी सुनते हैं। वो सब बाबा साहेब की देन है। हम लोग विद्यासागर जी, मोहन राजा जी के बारे में तो पढ़ते ही है, पर क्या आप जानते हैं कि भारत ने महिलाओं को सम्मान अधिकार, संपत्ति में अधिकार, बाल विवाह, बहु विवाह बंद करवाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 3 साल तक आंदोलन किया था। बाबा साहेब ने शिक्षा के दम पर असंख्य बच्चों का भविष्य संवारा है, इसीलिए वह शिक्षा का महत्व अच्छे से जानते हैं। वह पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी पढ़ाते थे। उन्होंने संविधान में लिखा है कि किसी भी महिला को महिला होने की वजह से वंचित नहीं रखा जाएगा, ना ही उसके लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाएगा। हमने इस एक्ट में तो देखा ही होगा कि इस एक्ट में कोई भी महिला नहीं है, क्योंकि पहले की महिलाओं को कोई बाहर भेजा ही नहीं जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। और मैं आज जो भी बोल पा रही हूँ वो सब बाबा साहेब की देन है। अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान
कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हैं। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय लेना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ। जब तक सूरज चांद रहेगा भीम तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा भीम तेरा नाम रहेगा। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। थैंक यू थैंक यू। टुमारो इज द भीम राव अंबेडकर जयंती। यू हैव टू बी लर्न योर राइट्स, your constitution, what is the right you are enjoying this till now, and how the constitution helped you to live and exist in a simple way where you are standing now. Okay, one clap for the hero. And for all of them who had their day with 13th April, and we are just celebrating, not celebrating, we are just seeing that the Jallianwala Bagh massacre, which is a very not memorizing, but we can not forget that day. So aap logo ko bhi usko dhyan rakhna hai. Okay.